हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये प्रेशर स्विच है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वायरिंग के बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें हम किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग करते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारा वो जैक था जो मैंने इससे पहले वीडियो लगाई थी, वहाँ पर हमारी ये चार वायरों के साथ हमारा जैक था, उसके साथ हमारी ये वायरें आ रही थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसका जो कनेक्शन करते हैं यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमारा ये इनलेट वॉल है, इसमें हमारा एसी करंट आता है। यहाँ पे 220 वोल्ट एसी से ये रन करता है, तो यहाँ पे हमारा डीसी करंट नहीं आता है। फिलहाल हम ये प्रेशर स्विच के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर स्विच का हमारा किस तरीके से यहाँ पर ये आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पाइप है जो कि हमारा पीछे ड्रम तक जाता है। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा पाइप। यहाँ से कतई भी एयर हमारी पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से एयर पास हो गई तो जो हमारा प्रेशर है वो सेंसिंग के ऑगी से गलत बताएगा। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्लू के द्वारा यहाँ पे फिक्स करके और हमारा एक क्लिंप के द्वारा यहाँ पे इसको प्रेस किया गया है। तो यहाँ पे ये देखते हैं ये हमारा प्रेशर स्विच है, और ये कहाँ गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ऊपर गया हुआ है, और ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और यहाँ पे हमारे ये लगा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर स्विच, और यहाँ से मैंने दिखा दिया कि ये रहा हमारा, ये इस तरीके से लॉक से फंसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो लॉक हैं ये। अब हम इसके कनेक्शन की बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी है उससे ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो जो हमारी वीडियो है उसमें हमारी एकदम बेसिक है किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, वो आपने वहाँ पर समझा है। और यहाँ पर इस वीडियो को आप स्किप ना करें और देखते रहें, इसमें उससे और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और हो सके तो इससे और वीडियो बनाऊं मैं, एक उसमें और बेहतर इसमें समझाऊं और समझ सकूं। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो कनेक्टर आता है यहाँ पे हमारा, ये हमारा डोर स्विच हो गया और प्रेशर स्विच हो गया। इसका जो हमारा कनेक्टर होता है, यहाँ पे हमारी चार कलर की वायरें यहाँ पे निकलती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारी चार कलर की वायरें निकलती हैं, जो हमारी ये है दोस्तों, ये वाली वायर जो है ये हमारी होती है ग्राउंड। ये वाली वायर हमारी ग्राउंड होती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारी ग्राउंड है। ये हमारी डोर के साथ भी चले गई ग्राउंड, और यही ग्राउंड हमारी यहाँ पे ये देख सकते हैं, यही ग्राउंड हमारी कहाँ चली जाती है, जो हमारा प्रेशर स्विच होता है उसके सेंटर पे। सेंटर कौन सा पिन होता है आपको पता होगा, अगर इससे पहली वीडियो अगर मेरी देखी हुई है। यहाँ से भी हमारा कैपेसिटर लगा होता है इधर, और यहाँ से भी हमारा कैपेसिटर लगा होता है इधर, यानी बीच वाला कैपेसिटरों का सेंटर, ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइलों का सेंटर क्या है हमारा, ये ग्राउंड है। और इसमें दोस्तों ये वाला हमारा 5 वोल्ट है। अभी मैं इसका कनेक्टर निकाल के भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर निकाल दिया, कनेक्टर भी आपका देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। ये दोनों हमारे नज़दीक हैं, ये हमारा दूर है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा सेंसर पिन है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड करी है उसमें मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि सपोज करो इन दोनों में हमारी कॉइल में वोल्टेज आ रहा है तो ये इस तरीके से सेंस करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एकदम वायरिंग के थ्रू क्लियर करवा दूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पिन हमारी कैसे होती है और किस तरीके से ये काम करता है, ये हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। तो ये बीच वाली पिन हमारी दोस्तों ग्राउंड है, ये हमारी 5 वोल्ट पॉजिटिव। मैं इसमें आपको वोल्टेज भी बता रहा हूँ कि कितने वोल्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं। 5 वोल्ट पॉजिटिव होगा ये ग्राउंड होगा, और ये हमारा सेंसिंग पिन होगा ग्राउंड। और ये हमारा जैसे ही इसमें 5 वोल्ट और ये ग्राउंड आएगा, और वाटर लेवल जिस तरीके से इस वाले कॉइल को इफेक्ट करेगा उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हमारे आउटपुट को सेंसिंग मिलेगी। इस वाले पिन पर क्या होगा, फ्लैक्चुएसन होगा, और ये फ्लैक्चुएसन कहाँ जाएगा, हमारा माइक्रो कंट्रोलर को। उसके बाद वो सेंस करेगी और वाटर लेवल को एडजस्ट करेगी
कि हमारे कितने सिलेक्ट करा है और कितना वाटर लेवल का यहाँ पर प्रेशर आया हुआ है। ये जैक आपका इस तरीके से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर दो के बीच में ज़्यादा गैप है, ये कम है। तो जब भी आप इसको खोलें तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि आपसे जैक सही लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसके लिए बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है, दोनों में ग्राउंड चलेगा। ये हमारा डोर का है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड हमारा वापस कहाँ जाना है, ये ग्राउंड हमारा वापस कहाँ जाएगा, ये हमारा मेन पीसी में जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं ये वाला कलर है जो हमारा, ये कलर हमारा 5 वोल्ट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आप पीसीबी की तरफ देख सकते हैं, आने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो कॉइल को कैसे चेक करना है, मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है, वहाँ पे उसको चेक कर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर वाला ग्राउंड है, ये हमारा सेंसिंग पिन है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जब भी इन दोनों के बीच में वोल्टेज जाएगा और उसके बाद अगर इसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो मशीन हमारी ऑन नहीं होगी। और जैसे ही हमारा इसमें जो भी हम प्रेशर, क्योंकि हमारी मशीन तभी घूमेगी जब इसमें हमारा कुछ ना कुछ सेंसिंग आएगी। अगर इसमें हमारी कोई चीज़ भी सेंसिंग नहीं आ रही तो मशीन हमारी नहीं घूमेगी। तो इन दोनों में सेंसिंग, इसमें सेंसिंग कब आएगी, जब इसमें हमारा वोल्टेज जाएगा 5 वोल्ट और ग्राउंड, और उधर से हमारा प्रेशर आएगा इसमें। जैसे ही इसमें प्रेशर आएगा, अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है वो हमारी दबेगी, उसके हिसाब से हमारा इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे। और उस चेंजेस को ये वाला वायर है जो हमारा ये सेंसिंग वायर, इसको कह सकते हैं, ये सेंसिंग वायर के थ्रू हमारा माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर इसको सेंस करेगा। और उसके बाद हमारा जितना भी हमने सिलेक्ट करा होगा वाटर लेवल, उतना ये जैसे ही सेंस करेगा उसके बाद हमारे ये वॉश को क्या कर देगा, मोटर को कमांड देगा और मोटर हमारी घूमने लगेगी। लेकिन जब तक हमारा ये सेंस, जितना हमने दे रखा है वाटर लेवल, इससे सेंसिंग पिन से माइक्रो कंट्रोलर पर सेंस नहीं जाता है, और ये हमारा इनलेट वॉल क्या रहेगा, चालू रहेगा, इधर से हमारा पानी अंदर जाते रहेगा, इसमें पावर आती रहेगी और पानी जाते रहेगा। और जैसे ही पिन सेंस कर लेगी तो यहाँ से हमारा पानी जाना बंद हो जाता है, यहाँ हमारा वोल्टेज आना बंद हो जाता है, यानी न्यूट्रल तो यहाँ पर आता है लेकिन फेस आना यहाँ पर बंद हो जाता है। फेस आना बंद हो जाता है तो वाटर लेवल बंद हो जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर ही वो सिग्नल देता है हमारे मॉसफेट को कि हमारा वाटर लेवल जितना सिलेक्ट किया था उतना हमारा आ चुका है, और उसको सेंस करती है ये वाटर लेवल। उसके बाद ये बंद हो जाता है और हमारा वॉश मोटर को कमांड जाती है कि इसको घुमाना शुरू कर दो। फिर माइक्रो कंट्रोलर 2003 आईसी को सिग्नल देते रहती है, एक के बाद एक, एक बार लेफ्ट को देती है, एक बार राइट को, एक बार लेफ्ट को, एक बार राइट को, उस हिसाब से क्या करता है, ये हमारा फंक्शनली काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसी ने यहाँ पे कमेंट करा था कि इसकी वायरिंग का भी बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस पर आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट होता है, आप कलर कोड के हिसाब से बोर्ड में ट्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड होता है, ये सेंसिंग पिन होती है, और जो हमारा डोर स्विच आता है उसमें दोस्तों एक ग्राउंड आता है, और ये हमारा रिटर्न ग्राउंड कहाँ जाता है, बोर्ड में। अगर ये ग्राउंड जब तक जाएगा तो हमारा डोर वर्क करेगा, अगर ये ग्राउंड नहीं जाएगा तो डोर में क्या आएगा, डोर एरर का सिग्नल शो करेगा, डिस्प्ले शो करेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, उसको भी आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इसको पूरा खोल के दिखा रखा है कि किस तरीके से वर्किंग है, इसके अंदर क्या है और किस तरीके का इसमें इसका मैकेनिज्म है। और हाँ, यहाँ पे इससे पहले की वीडियो में बताना भूल गया था कि यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का सिंबल दे रखा है जहाँ पर हमारा पेचकस लग सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ पे पेचकस को लगा सकते हैं। तो ये किसके लिए दे रखा है मैं वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे एक कलर मार करके क्या कर रखा है, इस पर संकेत लगा रखा है कि ये इस डायरेक्शन में है। तो जब भी हम इधर से एडजस्ट करें किसी इसको, जब ये हमारा काम करना बंद कर जाए या सेंसिंग में प्रॉब्लम करे लेकिन वर्क कर रहा है, उस केस में हमने यहाँ से इसको एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट क्या होगा, यहाँ से जब हम इसको प्रेस करेंगे, जो दोस्तों इसमें स्प्रिंग होती है, अगर स्प्रिंग हमारी सपोज करो प्रेशर लेवल से नहीं दब रही है ऐसे, तो हम इसको टाइट करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे तो ये स्प्रिंग को ऐसे दबा देगा, और जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर इधर से दबा देगा। अब सपोज करो स्प्रिंग और जो इसका प्रेशर रबड़ होती है वो इसको नहीं दबा पा रही है,
उतना प्रेशर बन रहा है लेकिन दबा नहीं पा रही है, वरना आपको ये यहाँ पे इसको छेड़ना नहीं होता है, क्योंकि ये आपका खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, खुद ही आपका यहाँ पे एडजस्ट होता है कंपनी के तरफ से। अगर सेंसिंग में प्रॉब्लम आए तब आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको आप चेंज कर लें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे क्या होगा मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ जिससे आप अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।